मित्रों, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी बिरयानी की विधि, शाकाहारी बिरयानी की विधि बताने जा रहा हूँ जो मधुमेह के रोगी भी बड़ी प्रिय से प्रेम से खा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं और उनका शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं। अब मधुमेह के रोगी को तो सब चीज़ मना हो जाता है, चावल खाना मना है, घी खाना मना है, ज़्यादा खाए तो क्या खाए, रोटी भी जिनका ज़्यादा वो होता है तो उन्हें भी रोटी कार्बोहाइड्रेट होता है खाने से मना है, ऐसा बस अन्न खाना है जिसमें फाइबर हो। तो चावल का आनंद दो तरह के अनाजों में आप प्राप्त कर सकते हैं। एक है बाजरा, बाजरा आसानी से उपलब्ध नहीं है। दूसरा है दलिया, जो काफ़ी आसानी से उपलब्ध है और बहुत आसान है बनाना। तो आज मैं आपको दलिया की बिरयानी की विधि बनाने के बारे में बताने जा रहा हूँ। हैदराबादी बिरयानी तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, समय भी काफ़ी करीब 2 घंटा लग जाता है, लेकिन आजकल इतना समय किसको है, थोड़ा कम स्वाद भी मिल जाए और समय 5-10 मिनट में काम हो जाए, तो वैसी विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने और आनंद लें व्यंजन का। सर्वप्रथम हम 2 कप दलिया लेंगे, या 3-4 लोग आराम से, 3 लोग तो आराम से इसमें खा सकते हैं, भोजन या नाश्ता कर सकते हैं। 2 कप दलिया लेंगे। इसके बाद हम 2 कप दलिया के लिए 3 टमाटर, 2 प्याज, 1 आलू भी डाल लेंगे, गोल गोल काट के जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। 3-4 लहसुन की कलियां काट के मिला देंगे और थोड़ा अदरक काट के, साबुत पीसने की ज़रूरत नहीं है, इसमें साबुत ही डालना है, इसको हम लोग काट के मिला के रख लेंगे। सर्वप्रथम हम 2 कप दलिया लेंगे, या 3-4 लोग आराम से, 3 लोग तो आराम से इसमें खा सकते हैं, भोजन या नाश्ता कर सकते हैं। 2 कप दलिया लेंगे। इसके बाद हम 2 कप दलिया के लिए 3 टमाटर, 2 प्याज, 1 आलू भी डाल लेंगे, गोल गोल काट के जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। 3-4 लहसुन की कलियां काट के मिला देंगे और थोड़ा अदरक काट के, साबुत पीसने की ज़रूरत नहीं है, इसमें साबुत ही डालना है, इसको हम लोग काट के मिला के रख लेंगे। अब हम मसाले लेंगे, गरम मसाले जो बिरयानी के लिए आवश्यक है। इसमें 2-3 तेज़पत्ता, 4-5 साबुत मिर्ची, 2-3 लौंग, 2-3 छोटी इलायची और दालचीनी के 2-3 टुकड़े डाल लेंगे। अब हम सारी सामग्री, दलिया, आलू प्याज कटे हुए, आलू प्याज टमाटर
और गरम मसाला को कुकर में डाल देंगे और उसमें एक बड़ा चम्मच सरसों तेल भी डाल देंगे। मुझे शुगर है इसलिए सरसों तेल डाल रहा हूँ, आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं अगर आप खा सकते हैं तो। अब हम कुकर में 6-7 कप पानी डाल देंगे। अब हम स्वादानुसार 1 चम्मच अब नमक डाल देंगे। कुकर का ढक्कन बंद करके उसे सारी सामग्रियों को पकने देंगे और सीटी आने पर 5-6 मिनट धीमी आंच पर पकाएंगे। इसके बाद ये दलिया बनकर तैयार है और आप गर्म गर्म परोसें। धन्यवाद।